हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट रशियन सैलड की रेसिपी। बहुत ही दिल चाह रहा था बनाने को और खाने को, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती। चलो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, जो कि हैं कुछ एप्पल्स। और एप्पल्स हम जो भी जितने भी चाहें ले सकते हैं, इसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। 3 से 4 अदद मैंने लेंगी। और कुछ बनानास, और ये रहे पोटैटोस। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोस को जो है पील करके बॉयल कर लिया है। और कुछ ग्रेप्स ले लिए हैं, साथ में मैंने ले लिया है बंद गोभी और ये बॉयल की हुई मैक्रोनीज। आप इसमें कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इन सबको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ कट कर लिया है और सब कुछ मैंने इक्वल क्वांटिटी में ही लिया है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी भी 1 कप के जितनी ही ली है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे हल्का हल्का सा मसल कर, और इसे 10 टू 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। ये इसलिए है ताकि गोभी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। अब इसको रख देंगे रेस्ट देने के लिए, और तब तक हम अपनी क्रीम को रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का। मैंने यहाँ पे ऑल पर्स की ले ली है, ये 250 ml की है आई थिंक। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, पूरा पैकेट जो है हमने ले लेना है। थोड़ी सी ठंडी हो तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेयोनीज। मैंने यहाँ पे यंग्स का मेयोनीज ले लिया है, ये सिंपल मेयोनीज आपने ले लेना है, ठीक है। और ये भी तकरीबन हमने 250 ml से लेके 350 ml के करीब ले लेनी है। तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में ही जाएगा ये भी। आप मेजरिंग कप की मदद से भी मेजर करके डाल सकते हैं कि क्रीम और मेयोनीज इक्वल हैं या कम या ज़्यादा तो नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो सिंपल शुगर ले लें और उसको ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लें। ये यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है मेरे ख्याल से, 4 टेबल स्पून काफ़ी रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून के जितना ही वाइट पेपर ऐड कर देंगे इसमें। एंड दैट्स इट, बस यही कुछ जाएगा इसके अंदर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सारे जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और क्रीम को जो है हमने बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लग रही हो तो आप इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, क्रीम हमारी रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल। एप्पल मैंने जो है वो थोड़ी ज़्यादा ले लिए हैं, तकरीबन 1.5 कप के जितने। और ये हमने बनानास और पोटैटोस ऐड कर दिए हैं। ये सब कुछ मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाला था, लेकिन एप्पल जो है वो मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए थे। अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये मैक्रोनीज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बॉयल मैंने पहले ही करके रख दी थी। अब इनको अच्छी तरह से हमने डाल के मिक्स कर लेना है। मुझे इसमें पाइनएप्पल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। आपके पास अभी अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं वो भी। और अब यहाँ पे ये जो बंद गोभी है जिसे हमने सॉल्ट लगा के रख लिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इसमें जो भी नमक था वो डाइल्यूट हो जाए, वो सारा ख़त्म हो जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दैट्स इट, यही कुछ चीज़ें जो है वो मैंने अभी मिक्स किए हैं इसमें। और ये हमारा रशियन फ्रूट सैलड जो है वो रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे सर्विंग बाउल के अंदर। एंड हैव इट इज़ हमारा बहुत ही क्रीमी और यमी सा रशियन फ्रूट सैलड बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, चिल ठंडा, और उसके बाद ही इसको सर्व कीजिएगा। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।